मतलब हाँ हाँ ओ तू मैं पागल है क्या? बस कदे तेरा नहीं है वो चुलबुल का है चुलबुल। हे गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10:30 और अभी भी जस्ट नहा के आया हूँ मैं। आज काफी लेट हो गया क्योंकि कल रात को पापा 3 बजे आए थे, तो फिर अभी 9 बजे उठे, तो फिर पापा के साथ बातचीत में लग गया मैं कि क्या हुआ, कैसा रहा वहाँ पे टूर, क्या क्या हुआ वहाँ पे। तो पापा ने बताया तो बातचीत में टाइम निकल गया सारा। तो फिर अभी अभी जस्ट पापा नहाने गए 10 बजे, अभी जस्ट आने वाले बाहर, और मैंने तो नहा लिया है। बाकी अभी मम्मी बैठी है सामने। मम्मा क्या सोच रहे हो? ठंडा कितना हो गया, बाप रे बहुत ज्यादा क्लाउडी हो गया गाइस। ये मौसम देखो आप, कुछ ऐसा मौसम हो चुका है बाहर। तो बाहर दिखाता हूँ आपको, मैं दिखाता हूँ बाहर से प्रूफ। ये कुछ ऐसा मौसम हो चुका है, ठंड हो चुकी है भयंकर वाली, ये देखो आप। बाकी तो चुलबुल बैठा है अंदर अपने कमरे में। क्या क्यों नहीं, वो फिर निकल जाता है बाहर, उसको ज्यादा चलाना नहीं है ना। अरे नहीं नहीं, उसके घर में रहने दे। अरे सो रहा है चुपचाप तू, बच्चा उसके पास कह रही है ना, वो उठेगा। तो यहाँ पे चुलबुल सो रहा है, चुलबुल सो रहा है अभी आराम से, और साथ में एक और चुलबुल है हमारा, ये भी सो रहा है। ये टाइम 10:30 हो रहे हैं और दोनों चुलबुल सो रहे हैं। इनका कोई टाइम ही नहीं है, दोनों की मेंटल जिंदगी चल रही है, दोनों सेम टू सेम है, सेम टू सेम, उठते सोते उठते सोते। पापा आ चुके हैं सामने। पापा क्या देख रहे हो आप अंदर? ओ पापा है? अरे हे भगवान, उठ गया मम्मा, उठ गया ये। पापा उठाया है, सुना दूं? देख टांगे कैसी हो गई उसकी, टेढ़ी टेढ़ी टांगे हो गई उसकी, टांगे टांगे टेढ़ी हो गई उसको, ज्यादा देख नहीं चलाना बेटा, वो छोटा बच्चा है उसको नहीं चलाना है। पैर काट दिया इसने मेरा, नहीं चल नो। पापा के लिए बुलाना पड़ेगा टॉयज, इसके लिए खिलौने, इसके चुलबुल पैर काट दिया इसने मेरा, चुलबुल नहीं चुलबुल नहीं, इधर पैर काट, चुलबुल नो पैर नहीं काट। तो अभी कर लिए अपनी पूजा और कर रहे हैं नाश्ता। नाश्ते में है अपनी टेस्टी मैगी, और अब मैंने भी पापा का स्टाइल अपना लिया है मिर्च वाला। पापा भी खा रहे हैं मैगी विद ग्रीन चिली। दिखाओ काया भी ग्रीन चिली। ये ग्रीन चिली है, ये खा रहा हूँ। दो दो एक आधी खा ली है पहले से हैं। मैं ये कह रहा हूँ ना, ये जो तेरे कल सब्सक्राइबर कम हुए हैं, हाँ ये पता तो चलना चाहिए कि क्यों कम हुए हैं। पता नहीं क्या था, पता नहीं क्या रीजन था यार। ऐसे कैसे यार बात सुन, कम से कम एक बार रीजन तो हमको पता चलना चाहिए ना कि होता ऑडियंस ने अनसब्सक्राइब किया हो। क्या पता, तो फोन आ गया। फोन किसका देखो, क्लाइंट का होगा क्या पता मम्मी की। कोई हमको ये तो पता चले कि क्यों किया है, क्या रीजन है, हम कुछ अपने किसका है। तो गाइज अभी आपने देखा कि पापा और हम सब बातें कर रहे थे, तो अभी एक कॉल आया, वो कॉल हमारे एक सब्सक्राइबर का था। उन्होंने स्पेशली मेरे को फ़ोन करके ये कहा कि जो सब्सक्राइबर आपके कम हुए हैं उससे आप अपना दिल छोटा मत करना, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, एंड जो आप कर रहे हो आपकी फैमिली कर रही है वो हमको बहुत अच्छा लग रहा है, आप बस ऐसे ही कॉन्टेंट क्रिएट करते रहो। एंड मतलब वो सुन के अचानक से कॉल आया, अचानक से ही कॉल आया, एंड वो सुन के बिल्कुल दिल खुश हो गया है पापा। वो तो मैं भी कहता हूँ तेरे को है कि देखो ऐसा ना, ये लाइफ की ये चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस अभी और आएंगे। सही बात है, इनसे घबराना नहीं होता है। सही बात है ना, इनसे आपको प्रिपेयर करना है और आपको अपने आपको इतना मजबूत बनाना है कि आप इन सारी चीजों को फाइट कर सकते हो। कात्या मैं उन सारे चैलेंजेस को तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, नींबू की तरह निचोड़ दूंगा। अतरंगी स्टंट जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता गाइस, कोई नहीं कर सकता है भाई। हाँ यही वाला स्टंट तो करके दिखाने वाला हूँ मैं। मैंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड बनाया भाई। कैसे करते हो तू? मैं करता हूँ देखो, आज मैं साइंस के चमत्कार को फेल कर दूंगा। कर देखो, 1 2 3 हाँ कर कर। अरे भाई साहब, और ओ भाई सही है खेल गया खेल गया। तो कैसे कर ले रहा तू ये?
है? कैसे कर ले रहा तू ये? साइंस के चमत्कारों को फेल कर दिया है। ये करके दिखाओ। क्या? क्या सिंपल तो है, देखने मजा आ रहा है यार, देखने मजा आ रहा है। कर लूंगा मैं भी, कर लूंगा, कर लूंगा मैं भी। तो गाइस जो हमने करा, अगर आप ये कर सकते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। अभी लग चुका है अपना लंच, लंच में है दाल चावल और ओम भी खा रहा है अपना बिल्कुल मस्त। टन हो गए। टन क्या होता है? टन हो गए। टन मतलब बिल्कुल पेट भर के भाई। क्यों अम्मा? टन मतलब बिल्कुल पेट भर के। ओम बाथरूम जा रहा, टन हो गए। ओम सो रहा, टन हो गए। ओम खा रहा, टन हो गए। ओम खेल रहा, टन हो गए। ओम ट्यूशन, ओम पढ़ रहा, टन हो गए। भाई टन मतलब अच्छे से, भाई अच्छे से होता है टन मतलब। मम्मी ने खा लिया है? खा लिया अम्मा? अरे वाह, पापा ने भी खा लिया है टन्ने करके। यह टन्ने करके आप भी कमेंट कर दो, टन्ने करके टन्ने करके लाइक कर दो, टन्ने करके। ये बहुत खतरनाक था मेरे दोस्त, मेरे भाई। तो भी खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे टन्नो के टन्ने। गाइस अभी टाइम हो रहा है 2:45 एंड पापा और मैं निकल रहे हैं। हम जा रहे हैं बेसिकली पापा का कुछ काम है एंड सेकंड है कि हमको आज किसी हालत में एनी हाउ हमको चुलबुल का लाना है। क्या लाना है अम्मा? खिलौने। स्टफ ना, खिलौने लाने हैं। हाँ जी, आ गया आ गया। पापा नीचे आवाज मार रहे हैं, पापा नीचे पहुंच चुके हैं। और चुलबुल के लिए हमको कुछ ना कुछ लाना है, खिलौने वगैरह, क्योंकि पैर इतने काट रहा है, पैर इतने काट रहा है, पैर काट काट कर इसने सुधा दिए, मोटे कर दिए पैर, नाखून मार दिए, मतलब कुछ ना कुछ चाहिए इसके लिए, ताकि रात को सोए या तब भी अपने बिस्तर में जब बैठता है तो उसको हम दे दे और उसमें लगे रहिए, है ना। तो बाकी मम्मा आपने अभी तक खाना नहीं खाया घंटे से? बचा हुआ है ना, मैं खा लेती हूं। अच्छा अच्छा, खाओ। जो है ना, थोड़ा टन हो गए, खा रही है इसलिए देर लग रही है। टन हो गए, खाओ, टन हो गए बिल्कुल। तो टाइम हो चुका 2:45 और निकलते आ रहा है, चल रहा है? नहीं यार, मैं ट्यूशन जा रहा है, क्या थोड़ी बिजी लाइफ चलती है ना मेरी, बिजी शेड्यूल। कोई नहीं कोई नहीं, तू पढ़ाई कर, ठीक है? बाकी पापा और मैं निकलते हैं, ये दो दो हेलमेट है। बैठो पापा, बैठो, चलो चलते हैं। बैठ गए? अरे भैया जी निकल जाओ भैया जी। हैं यहाँ पर है? डाल दो, हाथ 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 दो, बस यहाँ पे गाड़ी का आगे ना, गाड़ी आ गई मोटी। हैं? है नहीं? कहाँ गए पापा? क्या हुआ, आ रहे हो सीए? आ रहे आ रहे। हैं? कहाँ पहुँच गए? मुखानी में। अच्छा, काम क्या है वैसे? इनकम टैक्स रिटर्न। अच्छा, इनकम टैक्स रिटर्न होती है ना? हाँ, वो हर साल करनी होती है। अच्छा अच्छा, वो करवाई नहीं मैंने अभी। अच्छा, डेट बढ़ गई थी। अरे अच्छा, करवानी है। ठीक ठीक, बढ़िया है। और गेटअप ठीक है? बढ़िया। अरे वाह, गेटअप बढ़िया बिल्कुल। नेपाली ना ना, ये वाला भी सर में टोपी, लाल हाथ में नीले यार। बढ़िया। अच्छा अच्छा, आइए आइए। वेलकम 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 सीए साहब, वेलकम। चार्टर्ड अकाउंटेंट। चलिए लड़की ढूंढनी आ रही, परेशान है, एक शादी करनी है, लड़की नहीं मिल रही। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अरे ढूंढ ढूंढ थक गया, पूरा पहाड़ छान दिया। तो गाइस अभी पापा का काम हो चुका है कंप्लीट, बहुत लंबा टाइम लग गया। अभी टाइम हो रहा है 4:40, 3 बजे आए थे, पूरे 1.5 घंटे लग गए। और अब जाके पापा की इनकम टैक्स हो चुकी है रिटर्न। पापा चले अब? बहुत लंबा टाइम लग गया। लगता ही है, लगता ही है।
चलो फिर चलो सामान लेके आते हैं अपने चुलबुल का। तो अभी पहुंच चुके हैं पेट शॉप और यहाँ पे ले रहे हैं पप्पी के लिए अपने चुलबुल के लिए खिलौने। चलो तो अभी ले लिया है यहाँ से कैल्शियम बोन ना मिल्क बोन उसके खेलने के लिए मिल्क बोन कैल्शियम मिल्क बोन अपने चुलबुल के खेलने के लिए। साथ में भैया ने सजेस्ट करा कि आप इसमें स्टार्टर वगैरह मिक्स कर दो अपने उसमें सेरेलैक में। तो अब से उसको सेरेलैक के साथ ये भी खिलाएंगे ना भैया। जी भैया हड्डी दिन में एक या दो जो हड्डी है वो दिन में एक या दो बार देनी है बस। हाँ। मैक्स ना ज्यादा नहीं। कितनी देर तक खाएगा वो? आधा घंटा एक घंटा बाकी उसकी स्पीड वाले इतना खाएगा। अच्छा आधा घंटा तक खतरा रहेगा मतलब। हाँ भैया। ओके भैया थैंक यू ऑल द बेस्ट कर दो इसे। थैंक यू भैया थैंक यू भैया ओके बाय। तो अभी घर पहुंच चुके हैं और ओम का हाल कुछ ऐसा है ये देखो भाई ये देखो यार ये क्या मेरे जांघ के पीछे क्या पड़ गया हो गए 15 मिनट से मेरे पैर को नहीं छोड़ रहे छोड़ नहीं रहा उसको पापा ये इसको क्या दुश्मनी है लगता जन्म जन्म की दुश्मनी चुका रहा है फिर पकड़ लिया ये ओम का पैर छोड़ रहा हमारा पैर नहीं पकड़ रहा अभी आपका पकड़े भी ना शुगर बना नहीं पकड़ रहा आपका मेरे पे क्या इतनी चल भी नहीं पा रहा मैं तभी इसके लिए ला रखे हम ये स्टिक ताकि ये हमारे पैर छोड़ दे और ये स्टिक खाए। स्टिक दे दो उसको ये तू खाएगा ना तो फाड़ दिया पापा ने ले हम खिलाएगा। अबे हड्डी देख हड्डी की शेप में हड्डी की शेप मिल्क बोन मिल्क फ्लेवर खा ले खा ले तेल ले लाऊंगा मैं खा ये ले कहाँ है चुलबुल ले चुलबुल चुलबुल ले चुलबुल ले ले तिल ले लाए कहाँ कहाँ बैठा अंदर ये वहाँ काट रहा है खा इसको खुशबू सुंघाता दिखाएगा खा रहा खा रहा खा रहा खा रहा खा रहा अरे खा गया तो खुशबू आ रही इसमें से यार है। हाँ। अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ। ये पैर में दे दो उसको वो भैया बोल रहे सुनो भैया बोल रहे थे ना कि एक बार ये क्या कर रही ये हड्डी ले गया रुको इसको ये डर रहा है डर भी रहा है उसे इसको उठा दे इसको कैसे कर रहा है कैसे कर रहा है वो चुलबुल इतना है नहीं मतलब भैया बोल रहे थे ना कि अगर ये खाएगा एक बार तो आधा एक घंटा लगा रहेगा उसे। हां ठीक है बढ़िया ना इसके दांत थोड़े से घिस जाए ना इसके दांत ने परेशान कर दिए काट काट के हमारा दिमाग खराब कर दिया इसने। जरा खा रहा है हड्डी ले गया अंदर बढ़िया खा तो रहा है टोले से तो हड्डी खा रहा है ये खा चलो अच्छी बात होगी लग रहा है इसमें ये फायदा हो गया हड्डी की हड्डी है लगा हुआ है अपना आराम से और साथ में उसको कैल्शियम मिलेगा तो दैट इज अ वेरी गुड एडवांटेज एंड हमने उसका फायदा उठा लिया लगा भी है और कैल्शियम भी मिल रहा है। मस्त है टन बिल्कुल टन खा रहा है टन तेज वाह बहुत महान काम कर दिया पापा ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम छापो पापा का वन ऑन वन पूरी भाई साहब हे भगवान भाई साहब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम छापो पापा वर्ल्ड रिकॉर्ड मान गया पापा मैं मान गया। मस्त तरीके से सो गया है इसे अब सुला देते हैं। बड़ा बवंडर है यार ये बहुत बड़ा तहलका है तूफान है इसका नाम हमने चुलबुल की जगह तूफान रखना चाहिए था। तो अभी लग चुका है हमारा रात्रि भोजन जिसमें है हरी सब्जी रोटी है इसके अंदर और ये रही सब्जी। तो ओम और मैं खा रहे साथ में पापा बैठे हैं वहाँ पे। पापा आपने खाने खाना क्यों? क्योंकि पापा ने इतनी मिर्ची खा ली है कि आप लोगों को पता है क्या है क्या कर रहा है भाई भाई इसकी खुशबू कितनी सही है तो उसका टेस्ट कितना अच्छा होगा। मतलब भाई मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ बाकी गाइस अभी टाइम हो रहा है रात के 11 और पापा मम्मी ऑलरेडी सो चुके हैं यहाँ पे और हम भी जा रहे हैं सोने के लिए। तो अभी इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड मैं अब इस व्लॉग की कर दूंगा एडिटिंग और कल सुबह 8 बजे अपलोड कर दूंगा
तो अगर आपको व्लॉग देख के मजा आया, आपकी चेहरे पे स्माइल आई है, आपने एंजॉय करा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। टिल देन गुड बाय, गुड लक, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड लिव योर लाइफ एज मच एज यू कैन। कल सुबह 8 बजे तैयार रहना, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त हमने कमरे में हीटर ऑन कर रखा है ताकि कमरे में गर्माहट बनी रहे, स्पेशली फॉर चुलबुल, क्योंकि चुलबुल को गर्म गर्म माहौल में रखना है। तो अभी रात के बज गए 11, आप सबको सायोनारा।